बायोडाइवर्सिटी। आज बात हम लोग करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिस तरह पिछले दिन हमने आपको बताया था टैक्सोन, तो ये कैटेगरी है, पहला स्पीशीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो अभी तो क्लास अभी चल रहा है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। स्पीशीज से लेकर के किंगडम तक हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर। तो आइए बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और बढ़ते हुए क्रम में ऊपर की ओर देखिए, स्पीशीज को छोटा दिखाए, इससे बड़ा जीनस को दिखाएं, जीनस से बड़ा फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, और क्लास से बड़ा फाइलम, और फाइलम से बड़ा किंगडम। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, हायरार्की, बढ़ते हुए क्रम में हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है हायरार्की लेवल की कैटेगरी है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप, मैंने बढ़ते हुए क्रम का स्टेप, इन विच इच स्टेप रिप्रेजेंट द रैंक और कैटेगरी। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, it is called the taxonomic category, and all category together constitute taxonomic hierarchy. सारे category एक साथ constitute क्या करते हैं, taxonomic hierarchy, जिसमें सबसे lower rank किसका है, species का। each category refer to a unit of classification, in fact represent a rank is commonly termed taxon। taxon क्या है, taxa का plural, टैक्सॉन का प्लुरल क्या है, टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक द थ्री पेयर ऑफ ज्वाइंट लेग, कि इंसेक्ट क्या है जिनमें तीन जोड़े पैर पाए जाते हैं। अगर तीन जोड़े पैर हैं तो वो इंसेक्ट है, अगर तीन जोड़े नहीं है तो इंसेक्ट नहीं है। It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such group or organism? Remember, yaad karein, group represent category, category further denote rank, and each rank or taxon in fact represent unit of classification. तो सिंपली 7 यूनिट क्लासिफिकेशन के होते हैं और मैक्सिमम 17 यूनिट होते हैं। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फाइलम या डिवीजन, प्लांट में डिवीजन कहते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड ग्रुप। तो स्पीसीज एक, जीनस दो, फैमिली तीन, ऑर्डर चार, क्लास पांच, फाइलम छह, किंगडम सात। इंक्लूडिंग दिस ऑल द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैज अ स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन है, स्पीसीज। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। The basic requirement is the knowledge of character of a individual or group of organism. This helps in identifying similarity and dissimilarity among the individual of the same kind of organism as well as of other kind of organism. तो आइए स्पीसीज पर बात करें, सबसे लोएस्ट कैटेगरी का रैंक। Taxonomic studies consider group of individual organism which fundamental similarity is as species. One should be able to distinguish one species from other closely related species based on one distinct morphological difference. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo. Mangifera indica mango, Solanum tuberosum potato, and Panthera leo loane, all three name indica, tuberosum and leo represent a specific epithet. While the first word Mangifera, Solanum and Panthera
or genera and represent another higher level of taxon or category. तो जीनस क्या हो गया, स्पीसीज से ऊपर ऊपर का टैक्सॉन हो गया, हाईएस्ट कैटेगरी का हो गया, हायरार्की का हो गया. इच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज रह सकते हैं बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी. फॉर एग्जाम्पल पेंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड द टाइग्रिस, लियो के अलावा टाइग्रिस. Solanum include species like nigrum and melangena, bagan, melangena, Solanum melangena, bagan. Human being belong to the species sapien. Human being belong to a species sapien, which is the group into the genus Homo. The scientific name of the human being is the Homo sapien. अब आइए देखते हैं species के बाद. तो आपने देखा कि सबसे लोअर रैंक का स्पीसीज, स्पीसीज से बड़ा जीनस, जीनस से बड़ा फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा किंगडम, किंगडम से बड़ा टीम. किंगडम एक नई बात इंक्लूड की गई है न्यू टैक्सोनॉमी में, किंगडम की भी ये डोमेन. अन्यथा आपके किताब में केवल किंगडम से लेकर स्पीसीज तक कितना, सेवन. और अगर यहां देखें तो किंगडम, किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्या हो गया सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास में फिर सुपर सब क्लास, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर में फिर सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब जीनस, सब स्पीसीज. इस तरह ये कितने है? तो यहां से देखिए सब स्पीसीज से हायरार्की चल रही है, आगे की ओर बढ़ रही है. और ये कितना है मैक्सिमम, 17. तो मैक्सिमम कितना रहेगा बेटा, 17 रहेगा, और मिनिमम कितना रहेगा, 7 रहेगा. आइए जीनस पर बात करते हैं. Genus comprises a group of related species which has more character in common in comparison to a species of other genera. We can say that genera are aggregate of the closely related species. For example, potato and brinjal are the two different species, but both belong to the genus Solanum. Lion, leopard, and tiger, with the several common feature, all are a species or genus Panthera. This genus differ from another genus Felis, which include cat. आप देख भी सकते हैं ये सब स्पीसीज है. तो ये क्या है, पांच स्पीसीज है. ये क्या पेंथेरा पार्टिस, लियो पार्ट पेंथेरा जीनस में. इसका जीनस क्या है मैप्थीसिस, इसका जीनस क्या है ल्यूट्रा, इसका जीनस क्या है कैनिस, और इसका भी जीनस क्या है कैनिस. तो स्पीसीज से बड़ा हुआ कि नहीं जीनस, देखिए दो स्पीसीज एक जीनस में आए. अब ये सारे जीनस, अब ये दो जीनस देखिए एक फैमिली में आए, और ये तीन फैमिली एक ऑर्डर में आया. तो आइए फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ग्रुप इन रिलेटेड जेनेरा विच ऑल स्टिल हैज नंबर ऑफ सिमिलरिटी कंप्राइज टू द जीनस और स्पीसीज. फैमिली आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज. Among plant, for example, the three different genera, Solanum, Petunia, and Datura, are placed in family Solanaceae. Among animal, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with the genus Felis. And family Felidae. तो Panthera को किसके साथ रखा गया? Felis के साथ. किस family में? Felidae में. Similarly, if you are observe the feature a cat and dog, you will find some similarity and some difference as well. They are the separate into the two different families, Felidae and Canidae, respectively. अब आइए order. You have been seen earliest that category like a species, genus and family are based on the number of similar characters. Generally
order and other higher taxonomic category identified based on aggregate of characters. Order being a higher category is the assemblage of family which exhibit a few similar characters. The similar character are less in number as compared to the different genera including family. समझ रहे हैं बात को? Plant family like the Convolvulaceae, Solanaceae are included under order Polymonials. The family से बड़ा हो गया order. And based on the floral character, the animal order Carnivora include family like Felidae and Canidae. अब ऑर्डर से ऊपर क्लास दिस कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी गोरिल्ला गिवन इट प्लेस इन अ क्लास मैमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर कैट एंड डॉग के प्राइमेटा भी में भी प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों किस क्लास में आ गए तो मैमेलिया मैमेलिया में और भी सारे ऑर्डर है 18 ऑर्डर फाइलम Classes comprises animal like fish, amphibia, reptile, birds along with the mammal constitute the next higher category called the phylum, all the based on the common feature like presence of notochord. Chordata, phylum ka naam chordata, isliye unme notochord presence rahega aur dorsal hollow neural system are included in the phylum chordata in the case of plant class with the few similar characteristic are assigned in a higher category called division. Phylum ke badle plants mein kya aata? Division. अब आप देखें टीओ 7 टैक्सा देयर आर द 7 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें देखना ये है कि स्पीशीज से ऊपर की ओर किंगडम की ओर बढ़ेंगे तो सिमिलरिटी डिक्रीज करेगा बार बार याद रखना है स्पीशीज से किंगडम की ओर बढ़ेंगे सिमिलरिटी डिक्रीज करेगा किंगडम से स्पीशीज की ओर आएंगे सिमिलरिटी इंक्रीज करेगा इस पर कई बार बहुत सारी सवाल पूछे जाते हैं एज वन गोज फ्रॉम द किंगडम टू द स्पीशीज डाउनवर्ड and increase in the similarity between the organism. तो ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर हम किंगडम से स्पीसीज की ओर बढ़ेंगे तो सिमिलरिटी ज्यादा होगा और स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ेंगे तो सिमिलरिटी कम होगी ये सिमिलरिटी मीन्स सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स और किंगडम All animals belong to the various phyla are assigned to the highest category called kingdom. Animalia in the classification system of animal, the kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plant from various division. Henceforth, we will refer to this group into the animal and plant kingdom, not only animal and plant kingdom. So, आपके पूरे kingdom कितने हैं? 5. कौन कौन है 5 किंगडम है आपके पास लेकिन मैंने यहाँ पर 6 किंगडम दिखाया है क्योंकि ये यू बैक्टीरिया आर्कियो बैक्टीरिया दोनों मिला के मोनेरा होते हैं दूसरा है प्रोटिस्टा तीसरा प्लांटी एनिमेलिया फंजाई और अब देखिए ये किंगडम जो है वो डोमेन में बटे हुए हैं ये 4 किंगडम जो है एक डोमेन में है इसको हम लोग कहते हैं यू कैरिया डोमेन और ये यू बैक्टीरिया जो है इसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया डोमेन और आर्कियो बैक्टीरिया को कहते हैं आर्किया डोमेन तो अगर किंगडम से ऊपर जाना है तो डोमेन में जा सकते हैं The taxonomic category from species to kingdom have been shown in the ascending order in similarity with the species. There are the broad category. However, taxonomic have also developed subcategory, मतलब 17 category in this hierarchy to facilitate more and sound scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy. Can you recall the basis of arrangement? For example, as we go higher from a species of kingdom, the number of common character goes decreasing याद रखिएगा कि जब स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो करेक्टर क्या होगा कॉमन करेक्टर डिक्रीज करेगा लोअर द टैक्सा मोर करेक्टरिस्टिक दैट नंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर हायर कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्टी टू द डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू द टैक्सा इन सम लेवल हेंस द प्रॉब्लम ऑफ द क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे डिसिमिलरिटी आएगी यहां कहने का मतलब ये है तो इस प्रकार आप लोगों ने ये देखा टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या था
अब देखिए कैसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की के आधार पर कैसे अरेंज किया जाता है। तो यहाँ देखिए कॉमन नेम मैन है, बायोलॉजिकल होमो सेपियन, जीनस क्या है होमो फैमिली होमनिडेई ऑर्डर प्राइमेटा क्लास मैमेलिया फाइलम और कॉर्डाटा। हाउस फ्लाई, अब मैन और हाउस फ्लाई का एक ही किंगडम आ जाएगा एनिमेलिया, लेकिन इस डिफरेंस कहां कहां है ये देखिए। हाउस फ्लाई बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्किडेई, ऑर्डर डाप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फालम अर्थोपोडा। मैंगो प्लांट से देखिए मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा कार्डियेसी, फैमिली ऑर्डर सेपेंडल्स, क्लास डाइकोटिलीडेंस, डिवीजन एंजियोस्पर्म। वीट का भी ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलीडन और डिवीजन एंजियोस्पर्म। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आपने एग्जांपल भी देखा, ऑर्गेनिज्म एंड देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सारी बातें आप लोगों ने समझा। अब आइए टैक्सोनॉमिक एट। ये क्या है टैक्सोनॉमिक एट? टैक्सोनॉमिक एट में क्या क्या पढ़ना है? हार्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की फ्लोरा, मोनोग्राम, मैनुअल। हार्बेरियम इज ए स्टोर हाउस, घर का नाम है। कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन एंड दैट आर ड्राइड, सूखा हुआ प्लांट स्पेसिमेन रखे जाते हैं, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व इन ए सीट, कागज पर प्लांट को रख करके और उसको प्रेस कर दिया जाता है और उसको वहां पर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर दिया जाता है, जिसे हम हार्बेरिया कहते हैं, और हार्बेरिया रखने की जगह को हार्बेरियम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दीज स्पेसिमेन अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन ऑन हार्बेरियम सीट बिकम ए स्टोर हाउस फॉर द रिपोजिटरी फॉर द फ्यूचर यूज। दिस हार्बेरियम सीट ऑल्सो कैरी ए लेवल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस डेट में कहां से कलेक्ट किया गया, English local and botanical name, family, collector name, etc. Herbaria also serve a quick referral system for taxonomic asset study. किसी भी जीव के बारे में अगर जानना है तो हार्बेरिया से तुरंत जाना जा सकता है। बोटानिकल गार्डन, दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्ट द लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, यहाँ लिविंग प्लांट रखे गए हो, जैसे कि संजय गांधी बोटानिकल गार्डन, प्लांट स्पीसीज ऑफ द गार्डन ग्रोन फॉर आइडेंटिकल identification purpose and each plant level indicating botanical and scientific name in their family, the famous botanical garden Kew in England, Indian Botanical Garden in Howrah in India, National Botanical Garden, National Botanical Research Institute, Lucknow in India. Museum, biological museum are generally set up in educational institutes such as school and college. Museum has collection of the preserved plant and animal specimen for a study of reference. College mein, school mein मरे हुए जानवरों को, प्लांट्स को रखा जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, उसको कहते हैं म्यूजियम। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्व सॉल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के रूप में फॉर्मलिन का यूज किया जाता है। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में ऑल्सो प्रिजर्व ड्राई स्पेसिमेन, ड्राई भी रखा जाता है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन द इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्ज एनिमल लाइक द बर्ड्स एंड मैमल यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व। म्यूजियम ऑफन है कलेक्शन ऑफ स्केल्टन ऑफ एनिमल ऑल्सो, एनिमल के स्केल्टन को भी म्यूजियम में कलेक्ट किया जाता है। इस तरह से आप लोगों ने जाना हार्बेरिया क्या है, म्यूजियम क्या है और बोटानिकल गार्डन क्या है। जूलॉजिकल पार्क, दीज आर द प्लेस वेयर द एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर द ह्यूमन केयर विच इनेबल टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। All animal in the zoo provided, zoo को ही zoological park कहते हैं, are as possible the condition similar to the natural habitat, children love visiting this zoo park commonly called zoo. अब important चीज़ है क्या? Key is the another taxonomical aid used for identification of plants. ये key जो है character है जिसके द्वारा plants को animal को पहचानते हैं, based upon dissimilarity and similarity. This key are based on the contrasting character, generally in pair. Key हमेशा जोड़े में रहते हैं जिसे couplet कहते हैं और एक दूसरे के contrast रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि mammal के लिए identification की है ear present, external ear,
तो मैमल वो है जिसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, अगर एक्सटर्नल ईयर नहीं है तो वो मैमल नहीं है। तो ये दो करेक्टर हुआ कि ये दोनों को मिलाकर कहेंगे की, और एक का नाम हुआ ये की, और ये की में जो ये जोड़ा बना इसका नाम हो गया क्या, कपुलेट। एक जोड़ा करेक्टर को क्या कहते हैं, कपुलेट। इट रिप्रेजेंट द च्वाइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन, दिस रिजल्ट इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्ट ऑफ अदर, जिस दोनों में से केवल एक एक्सेप्ट होगा। इच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, कपुलेट जोड़ा हो गया उसका एक बात को क्या कहा गया, लीड। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर इच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज द फैमिली जीनस स्पीसीज, सबके लिए अलग अलग आइडेंटिफिकेशन की होगा। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, रेदर देन की फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राम एंड कैटलॉग आर सम अदर मींस ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। मैनुअल के द्वारा भी रिकॉर्ड किया था डिस्क्रिप्शन, मोनोग्राम के द्वारा, कैटलॉग के द्वारा। They also help in collection of identification. Flora contain the actual account of habit and description of the plants of a given area. किसी खास एरिया में किसी खास जिले का सारे पौधों का डिस्क्रिप्शन एक किताब में अगर दिया जाए तो उसे फ्लोरा कहते हैं। Thus provide a index of this plant a species found in a particular area. Manual are useful for providing information for identification of name of a species found in area. उसी तरह केवल नाम का आइडेंटिफिकेशन करना हो कि इस एरिया में कितने नाम कितने जीव हैं, तो उसके लिए आता है मैनुअल। और मोनोग्राफ कंटेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, और एक जीव के बारे में अगर लिखा गया है वो हो गया मोनोग्राफ। तो ये बात थी आपकी आइडेंटिफिकेशन टैक्सोनॉमिक एट की। टैक्सोनॉमिक एट में क्या क्या आपने देखा, आइए एक बार और देख लेते हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड में देखा हार्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की, फ्लोरा। तो की, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, बोटानिकल गार्डन, हार्बेरियम में कोई दिक्कत नहीं आई, ये फ्लोरा एक बार बता दें। इट कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। तो फ्लोरा समझ गए। मोनोग्राफ, it contain a comprehensive systematic study of the particular taxonomic group, ek group ke liye, kisi bhi ek taxon ke liye agar banaya jaye to monograph. manual are the list are useful for providing information for identification of the name and a species found in area. A manual does not need to be exhaustive and a scope of typical user defined. मैनुअल में हम लोग बहुत बात नहीं जानते हैं, मैनुअल के द्वारा केवल हम उसका नाम जान पाते हैं। तो इस तरह आपने जाना कि टैक्सोनॉमिक एड में क्या है, हार्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की, फ्लोरा, मोनोग्राम, मोनोग्राफ एंड मैनुअल। तो इस प्रकार आपने द लिविंग वर्ल्ड क्या है यह बात आपने जाना। तो लिविंग वर्ल्ड जानने में आपने चार बातें जानी। सबसे पहला दिन आपने जाना था व्हाट इज लिविंग, उसके बाद आपने दूसरे दिन जाना डाइवर्सिटी, और आज जाना क्या कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की और